अगर मैं वाटरमेलन को लेके इस भरी हुई पानी की होदी के अंदर कूदता हूँ तो क्या होने वाला है? इनका जो वेट है वो अराउंड मैं गेस कर पा रहा हूँ 2 से 3 kg के बीच में होगा। काफ़ी हैवी है ये, काफ़ी हैवी है। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है या ज़्यादा है। मैं इस वाटरमेलन को या फिर इस जो मतीरा है इसको मैं इतने ऊपर से गिराने वाला हूँ और देखते हैं कि ये पानी के अंदर डूबता है या वापस पानी पे ही आ जाता है। लेट्स सी। वाओ, आई कैन सी इट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। सो या एक मतीरा और ट्राई कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये उससे भी बड़ा है, उससे बड़ा तो नहीं बोल सकता, उसी के साइज का है ये। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। ये थोड़ा धूप में रहने की वजह से थोड़ा येलो हो गया, उतना ग्रीन नहीं है, लेकिन अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। तो लेट्स सी, इसको भी हम, चलिए मैं थोड़ा और खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा और ऊपर से घेरते हैं और देखते हैं कि ये कितना गहराई तक अंदर जाता है। ओके, एक मतीरा वो नीचे उधर चला गया, फूटा नहीं है अभी, उसका भी हम ट्राई करेंगे। इतना ऊपर से गिरा रहा हूँ, लेट्स सी कि कितना अंदर जाता है या फिर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है या वाटर से कम है। लेट्स सी। वाओ, यू कैन सी, यानी कि जो मतीरे का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, इस वजह से ये पानी पे तिर रहा है। यानी कि हमने जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था उसको मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ। जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो पानी पे फ्लोट करती है। मेरा जी कर रहा है कि मैं इस पानी में उतर जाऊँ। अब ये मेरे लिए एक अग्नि परीक्षा का टाइम आ गया है। मैं इस मतीरे को लेके वाटर के अंदर जंप करने वाला हूँ और देखते हैं कि ये मतीरा मुझे डूबने से बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। लेट्स सी। मैं अपने ग्लास है, सन ग्लासेज, उनको यहाँ पे एक बार रख देता हूँ और मैं जंप करता हूँ। या दो मतीरों को लेकर के, नहीं पहले एक मतीरे से कर लेते हैं। लेट्स सी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गिव मी बेस्ट विशेस ऑफ योर। ये क्या दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि मतीरे ने मुझे बचा लिया, यानी कि ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए मैं, किसी इंसान की जान है वो बचा सकता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, तो ये ऐसे मान सकते हैं ट्यूब की तरह काम करता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मतीरा लेके पानी के अंदर कूदिए, ये आपको बचा लेगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तैरना भी आता है, इस वजह से ये मैं इसको साथ साथ में लेके इधर उधर घूम पा रहा हूँ। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मतीरा है उसकी डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, इस वजह से ये पानी पर फ्लोट कर पा रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मुझे डूबने से तो नहीं बचा पाएगा, लेकिन थोड़ा मुझे तैरने के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए इस मतीरे को भी उधर ले लेते हैं। और जितना मज़ेदार ये मतीरा खाने में होता है, उससे ज़्यादा मज़ा अपने को इसको साथ में लेके तैरने में आता है। लेट्स सी। क्या बात है फ्रेंड्स, आई एम एंजॉयिंग माई जर्नी, यू ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ। और मेरे चैनल को मिस्टर A to Z को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।